गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो ये कंसर्न्ड है सिर्फ इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, और जब यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो तब एप्लीकेबल थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्फेयर। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्फेयर क्या थी? ये जो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है डिमांड और सप्लाई का, उसके ऊपर डिपेंड करती थी। मान लो लेबर की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उन सब केस में क्या होगा, वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे तभी लेबर अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आएगी। अगर लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एम्प्लॉयर को वर्कर नहीं चाहिए, तो उन सब केस में वेजेस फिर घटेंगी। तो इसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में मैक्सिमम एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, और उसके बाद वहाँ पे जो इकोनॉमिक मूवमेंट चली, लेबर मूवमेंट चली, या बाकी जितनी भी लीगल मूवमेंट चली थी, वो चल के यहाँ पे इंडिया में आई, क्योंकि इंडिया भी उस टाइम ब्रिटिश रूलर का एक डोमिनियन स्टेट थी। तो जो हमारी इंडिया में, हमारे देश में जो फर्स्ट कॉटन मिल लगी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है उसके हिसाब से, हालांकि यहाँ पे कॉटन का और सिल्क का काम सदियों से होता आया है, लेकिन आज की जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से पहली कॉटन मिल लगी 1851 में बॉम्बे में लगी। उसके बाद फर्स्ट जूट मिल लगी 1855 में बंगाल में, और फिर फर्स्ट फैक्ट्रीज कमीशन 1875 में आया। इसको फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडियन कंडीशन पे रिसर्च करने के लिए अपॉइंट किया गया था, और इनके रिकमेंडेशन पे फिर आया फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट 1881 बन के आया। हालांकि 1881 का जो एक्ट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कुछ कंडीशंस थी, लेबर की डिमांड है, कुछ एम्प्लॉयर कुछ चाहते हैं, और वो जो कंडीशंस हैं वर्किंग कंडीशन, उन सब के रिगार्डिंग ये कुछ साइलेंट रहा, तो इसके वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। फिर उसके बाद 1889 में सेकेंड फैक्ट्रीज कमीशन आया। इस कमीशन का काम यही था कि इस कमीशन के टाइम में जो कमियां छूट गई थी उन सबको बाद में दूर करना था। और मॉडर्न ट्रेड यूनियन है उसके अंदर इंडिया में पहली एसोसिएशन बनी लेबर की, वो बनी बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन 1819 में। आज की जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका बेस यहाँ से स्टार्ट होता है, आने वाले टाइम में यही सब बनी, लेकिन इसको भी हम ट्रेड यूनियन एक्ट के हिसाब से ट्रेड यूनियन नहीं कह सकते। उसका रीज़न क्या था, इनके पास मेंबरशिप का रोल नहीं था कि इनकी यूनियन के कितने एसोसिएशन के मेंबर हैं, यूनियन के मेंबर कितने हैं, उन सब का रिकॉर्ड नहीं था। दूसरा, फिर फाइनेंशियल बजटिंग कहाँ से होनी थी, बजट कौन सा था, कहाँ से आएगा, किस तरह उसका एक्सपेंडिचर होगा, इसके बारे में रूल साइलेंट रहे इनके। थर्ड इनका ये रहा कि इनके फंड्स हैं, फंड्स आएंगे कहाँ से और खर्च कहाँ पे होंगे, उन सब के बारे में भी ये साइलेंट थे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे थी, पहली बार बनी थी, तो ये सब बात की बातें हैं। फिर उसके बाद 1920 में ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनने के बाद लेबर क्लास को स्ट्राइक करने का राइट मिल गया, वो अपनी डिमांड है कुछ भी, चाहे वेजेस हो, वर्किंग आवर्स हो, वर्किंग कंडीशंस हो, बाकी फैसिलिटीज़ भी जितनी भी हैं, उन सब के बारे में ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 बनने के बाद स्ट्राइक होनी स्टार्ट हुई, और फिर बाद में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बन के आया। हालांकि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का पहले नाम था इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, लेकिन 64 में अमेंडमेंट होने के बाद इसका नाम बन गया द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, यहाँ से इंडियन हटा दिया गया। ठीक है, अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो आज के टाइम में भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जो लेबर की कंडीशंस हैं वो 1851 में भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया नहीं है, ताकि हम कह नहीं सकते कि एकदम सब कुछ बदल गया हो। उसका कारण क्या है कि लेबर क्लास आज भी हमारी अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, अपने राइट के प्रति वो अवेयर नहीं है,
उनको पता नहीं है कि उनके कौन से राइट हैं, कौन सी ड्यूटीज हैं। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, लेबर क्लास की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा की वजह होने की वजह से एम्प्लॉयर इनको एक्सप्लोइट करते हैं, और लेबर क्लास के माइंड में एक फियर रहता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग काम नहीं करूँगा, हो सकता है मुझे किसी और के साथ रिप्लेस कर दे। और इसी वजह से यूनियंस बन नहीं पा रही हैं, या वो जो बनी है वो सक्सेसफुल नहीं है। दूसरा एक आता है फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबरिंग, ठीक है। लेबर दो तरह की हैं, एक तो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट की है कि इंडस्ट्री का मालिक खुद लेबर को अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो तो उनके पेरोल पे रहेंगे। दूसरी लेबर क्लास आती है कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किस तरह एम्प्लॉयर, ये कोई एम्प्लॉयर है, एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देगा ताकि मुझे 20 आदमी इस काम के लिए चाहिए, 20 ड्राइवर चाहिए, 20 प्लम्बर चाहिए, 10 कारपेंटर चाहिए, उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर आगे जो लेबर हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो उनको लेके आता है। तो यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी है, ये सारे वर्कर इसके हैं और इसके साथ ये काम करते हैं। तो ये फिर क्या होगा, इनका जितना भी एक्सप्लोइटेशन होना है वो होगा, और ये जितने भी लेबर लॉज हैं उनके अंडर कवर नहीं आएंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है उसने इनको अपॉइंटमेंट की ही नहीं। जब ये इनके पे रोल पे नहीं है तो ये जितने भी लेबर हैं वो सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो इनको नहीं मिल पाएंगे। और बाकी की नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू।